जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश परिवहन कंडक्टर भर्ती 2024 के बारे में। दोस्तों आज की जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए है, इसमें सभी उत्तर प्रदेश के महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले फेज वन में कई डिपो के लिए वैकेंसी निकाली गई थी जिसकी ऑल ओवर डेट मतलब खत्म हो चुकी है, और अब फेज टू में दोस्तों इन्होंने कई डिपो के लिए वैकेंसी निकाली है जिसमें सभी उत्तर प्रदेश के महिला एवं पुरुष अप्लाई कर सकते, बशर्ते दोस्तों उनको इसकी शैक्षिक योग्यता को पूरा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग अगर इस वैकेंसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने एक भर्ती से संबंधित सारी वो जानकारी दी है जो कि इस भर्ती की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, और दोस्तों मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं अगर आप लोग ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो दोबारा आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में इस भर्ती में कब से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो रीजन वाइज जो वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग डिपो के लिए, इनके लिए एप्लीकेशन डेट भी अलग अलग है। तो दोस्तों ध्यान रहे अगर आप लोगों ने वो एप्लीकेशन डेट मिस कर दी तो फिर आप लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो पूरा देख लेना जिससे आप लोगों को सारी चीजें पहले से ही पता चल सके और आप लोग डेट आने तक रेडी हो जाए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की इस वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में कंडक्टर पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है टोटल 1649 पदों के लिए, और दोस्तों ये जो भर्ती है आउटसोर्सिंग द्वारा भरी जाएगी, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। और ये वैकेंसी का फेज टू है, इसके पहले फेज वन में कई डिपो के लिए वैकेंसी निकाली गई थी जो ऑल ओवर डेट खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसमें दोस्तों बात करें आवेदन का प्रकार, तो दोस्तों इसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इसमें ऑफलाइन माध्यम से कोई फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें बलिया, आजमगढ़, मऊ, अयोध्या, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, इतने जो डिपो हैं इनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें सभी उत्तर प्रदेश के युवा इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी जिले के रहने वाले हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दोस्तों आप लोग इन डिपो में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और दोस्तों अप्लाई करने के पहले आप लोगों को एक काम करना है, आपको sewayojana.up.nic ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहला काम ये करें, वैकेंसी जब आएगी तो आती रहेगी, उसके पहले आप लोग जाके कैफे से अपना सेवा योजना ऐप में अपना जाके रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों बाद में साइड में प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में सारी चीजें एक साथ होती नहीं, फिर बाद में आप लोग परेशान होते हैं। तो अभी आप लोग जाके सेवा योजना ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर दोस्तों बात करें इसमें एज की, तो इसमें दोस्तों कैंडिडेट की एज 18 से 45 साल होना चाहिए, और इसमें आपको एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन होता है वो भी आपको मिलेगा। अब आगे अगर इसमें बात करें हम लोग फीस की, तो दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और सभी कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट है या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, इन सभी कैंडिडेट को इसमें कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये निःशुल्क परीक्षा रखी जाएगी। अब बात आती है दोस्तों शैक्षिक योग्यता की, जो कि इस वीडियो का सबसे मुख्य पार्ट है। तो दोस्तों इसमें आपका 12वीं पास होना अनिवार्य है, प्लस उसके साथ ही साथ आपके पास ट्रिपल सी होना भी अनिवार्य है, ठीक है, कैंडिडेट 12वीं पास हो और उसके पास ट्रिपल सी हो। तो दोस्तों अभी ये वैकेंसी 1649 पदों के लिए निकाली गई, तो धीरे धीरे करके मतलब हर एक डिपो के लिए निकाली जा रही, तो अभी कई कैंडिडेट जिनके पास ट्रिपल सी होगा तो वो लोग तो अप्लाई कर लेंगे, मगर जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आती बात वो क्या करें। तो दोस्तों ट्रिपल सी का पेपर हर एक महीने होता है, तो आप लोग अगर अभी अप्लाई कर दें तो मे भी हो सकता है कि आप लास्ट में भी, क्योंकि 3-4 फेज में भर्ती भरी जाएगी धीरे धीरे, ठीक है, तो मे भी हो सकता है बाद में अगर आपका रिजल्ट आ जाए तो आप लोग बाद में अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने अभी ट्रिपल सी नहीं किया है तो आप लोग जाके इसका एग्जाम दे दें, क्योंकि महीने में 2 बार इसकी परीक्षा होती है ट्रिपल सी की, ठीक है। तो आप लोग किसी नजदीकी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बनता हो तो वहाँ पे जाके आप लोग बात कर लें और ट्रिपल सी का अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उसका एग्जाम दे के उसका रिजल्ट देके शायद हो सकता है कि आपको मौका मिल जाए बाद में। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें अधिमानी अर्हता की, जिन भी कैंडिडेट के पास एनसीसी या फिर भारत व राज्य स्काउट गाइड या राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होगा, तो उन कैंडिडेट को दोस्तों उसमें 12वीं में 5% का वेटेज दिया जाएगा। अब दोस्तों इस वेटेज का फायदा क्या होगा, इसका फायदा आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस वेटेज का फायदा कहां पर होगा। दोस्तों बात करें इसमें चयन प्रक्रिया की, तो दोस्तों इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा आपकी मेरिट के आधार पर होगा, इसमें आपकी कोई लिखित परीक्षा या कोई शारीरिक परीक्षा या फिर किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो 5% का वेटेज मिलेगा, तो जब आपकी मेरिट बनेगी तो आपको मेरिट में 5% एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे, इसका फायदा आपको आपकी मेरिट में मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होता है, इसलिए कैंडिडेट परेशान ना हो कि हमें प्रॉब्लम है। इसमें दोस्तों जो
फिजिकल हैंडीकैप होते हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल नॉर्मल सा मेडिकल होता है, वो आपको जिला अस्पताल में आपको भेज दिया जाएगा, जो आप वहां का सीएम होता है तो आपको मेडिकल करके दे देगा। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि इस भर्ती में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनकी इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों आपके पास हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट होने चाहिए, उसके बाद आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो, और अगर आपके पास एनसीसी या स्काउट गाइड का सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उसके साथ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रहे आपका जाति और निवास प्रमाण पत्र यूपी सरकार का हो, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें लागू नहीं होगा। अब आगे दोस्तों वीडियो में आपको मैं बता देता हूं कि हर एक जो डिपो है इनमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है और इसकी अप्लीकेशन के लिए विंडो कौन सी तारीख को खुलने वाली है। तो दोस्तों ध्यान दें, जो लोग बलिया, आजमगढ़ और मऊ में अप्लाई करेंगे, टोटल इसमें 198 पद हैं और इसकी विंडो 6/2/2024 मतलब 6 फरवरी को खुल जाएगी, तो आप लोग 6 फरवरी को अप्लीकेशन कर देना। ठीक है, अब दोस्तों जो लोग अयोध्या में अप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें 100 पदों के लिए वैकेंसी है और इसकी विंडो 13 फरवरी 2024 को खुलेगी। तो अयोध्या में जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो 13 तारीख को आप लोग अप्लीकेशन कर देना। ठीक है, जो लोग बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थ नगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा 405 पदों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, इसकी विंडो आपको 15 फरवरी 2024 को खुल जाएगी, तो आप लोग 15 तारीख को अप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना, इन्हीं डेट में आपका अप्लीकेशन स्टार्ट होगा और हर एक डिपो के लिए अलग अलग है, तो आप लोग इसको डेट को बिल्कुल ध्यान रखना और इस डेट को आप लोग पहुंच जाना अपने कैफे में, अपने फोन से कारस्तानी ना करना, नहीं सब सत्यानाश करवा लोगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जिसको हम लोग ग्राहक सेवा केंद्र कहते हैं वहां पे या फिर किसी कैफे से जाके इस फॉर्म को भरवाना। ठीक है, अब दोस्तों गवर्नमेंट ने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करी है, गुजारिश करी है कि अगर आप लोग इस भर्ती को पारदर्शी बनाना चाहते हैं तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में आपसे कोई ऐसा दलाल मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जो आपसे पैसे की डिमांड करता है, तो आप लोग उस व्यक्ति विशेष की कंप्लेन कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1800180277। ठीक है, इस नंबर को डायल करके आप लोग उस व्यक्ति विशेष की शिकायत कर सकते हैं और सरकार की इस भर्ती को पारदर्शी बनाने में आप लोग उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य उठाएं, अगर आपसे किसी प्रकार की कोई डिमांड होती है, किसी पैसे की या फिर अन्य किसी प्रकार की किसी भी चीज की डिमांड होती है, तो आप लोग इस नंबर पर उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे लास्ट में एक बात आती है कि इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई, इसमें आपको कोई फिक्स वेतन नहीं है, इसमें आप जितना अपनी गाड़ी को चलाएंगे, मतलब आपकी गाड़ी एक महीने में जितने किलोमीटर चलेगी उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलने वाला है। दोस्तों इसमें 1.90 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी, तो मिनिमम एक बस 5,000 से 6,000-7,000 किलोमीटर तो चली जाती है, तो लगभग आपकी पेमेंट 14,000 से 15,000 मिलेगी, जो कि आपकी मेहनत की कमाई होगी, बाकी आप किस तरीके से कमाई करते हैं वो तो सबको पता है। ठीक है, तो इसकी वही 14,000-15,000 तक आपकी पेमेंट बन जाएगी। और दोस्तों आप लोग इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsrtc.gov.in पर जाकर इस भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह थी जानकारी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग कंडक्टर भर्ती 2024 से संबंधित। आशा करता हूं लोगों मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे समय समय पर मैं हर एक भर्ती के बारे में जानकारी देता हूं, तो आप लोगों को समय से भर्ती के बारे में जानकारी मिल सके, चाहे वो एयरपोर्ट भर्ती हो, चाहे कोई डिफेंस से रिलेटेड भर्ती हो या फिर और कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट वैकेंसी हो, सभी के बारे में विस्तार से बताता हूं। अगर आप लोगों के लायक की नौकरी हो तो आप उसमें अप्लाई करके रोजगार पा सकते हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।